नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। विस्तारवादी चीन को एलएसी पर धोखेबाजी करना भारी पड़ रहा है। लगातार भारत हर मोर्चे पर चीन की कमर तोड़ रहा है। 15 जून को गलवान घाटी में मौकी खाने के बाद बौखला है चीन। हाल ही में दो बार और घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इन दोनों ही बार गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाने वाली भारतीय सेना के आगे चीनियों को दुम दबाकर भागना पड़ा है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने चीन पर फिर से डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत ने 118 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। चीन को तीसरी बार भारत ने यह तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि इससे पहले दो बार भारत सरकार चीनी ऐप पर पाबंदी लगा चुकी है। भारत ने अब जिन 118 चीनी ऐप पर बैन लगाया है, उसमें सबसे चर्चित गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। बैन किए गए चीनी ऐप को सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। बता दें कि गलवान घाटी में चीन की हिमाकत के बाद भारत ने पहली बार डिजिटल स्ट्राइक 29 जून को की थी, जिसमें टिकटॉक, हेलो समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। बैन किए गए ऐप्स में शेयर इट, यूसी ब्राउजर, वी चैट और कैम स्कैनर जैसे कई और ऐप भी शामिल थे। इसके बाद भारत सरकार की ओर से 28 जुलाई को 47 चीनी ऐप्स को बैन किया गया था। ये सभी पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। अब तीसरी बार सरकार ने पबजी, लूडो ऑफ स्टार, इन नोट, कैम कार्ड समेत 118 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है। यानी कि सरकार अब तक 224 चीनी ऐप पर बैन लगा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन मोबाइल ऐप पर बैन लगाया है। सरकार के मुताबिक ये ऐप भारत की संप्रभुता, रक्षा और राज्यों की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे। उधर भारतीय सेना की कार्रवाई से चीन बौखलाया हुआ है और लगातार युद्ध की गीदड़ भभकियां दे रहा है। पेंगोंग शो झील के दक्षिण किनारे पर चीनी सेना की हिमाकत का माकूल जवाब देने के बाद अब भारत ने ड्रैगन को उसकी हरकतों से बाज आने को कहा है। भारत ने चीन को दो टू कहा है कि वो अपने फ्रंट लाइन सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रखे। तो वहीं भारतीय सेना चौकन्ना हो गई है और गृह मंत्रालय ने सेना को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। ऐसे में एलएसी पर चीन ने कोई भी नापाक हरकत की तो उसे माकूल जवाब मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।